हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, ये जो पिक है ये मेरी शादी की है। ये मेरी मम्मी है, ये मैं हूँ, ये मेरे हस्बैंड है, ये चर्च के फादर है जिनकी फ़ोटो अभी पूरी आई नहीं है, और ये और भी पिक है। ये मैं शादी के लिए, चर्च जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, और ये भी तैयार हो रही हूँ मैं, और ये भी, ये मैं चर्च पहुँच गई हूँ। तो मैं ये पिक आपको इसलिए दिखा रही हूँ फ्रेंड्स कि शादी एक पवित्र रिश्ता है, और ऊपर खुदा हमको एक अनजान दो लोगों को जोड़ता है। तो अभी 4-5 दिन से मैं एक वीडियो देख रही हूँ गाइस कि वो उसमें वो बता रही हैं, लेडी, उनका नाम नहीं लूँगी मैं, वो बता रही हैं कि मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी है, मतलब शादी हो चुकी है, और वो उसको सेलिब्रेट कर रही हैं और खुशी मना रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं अपने हस्बैंड के लिए, सेकंड उनके हस्बैंड की वाइफ के लिए। तो मैं बहुत देख के मेरे हैरान हो गई, उन सब वीडियोस को मैं देख रही थी तो मैं बहुत हैरान हो गई। ये देखिए, मैं चर्च के गेट तक पहुंच चुकी हूँ और अंदर जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड अंदर वेट कर रहे हैं मेरा। तो गाइस, मैं ये कहना चाह रही थी आज की शाम की, वो बहुत खुश नज़र आ रही थी, बहुत खुश हैं, कह भी रही हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, और ऊपर वाले ने मुझे ऐसी शक्ति दी है कि मैं इस चीज़ को हैंडल कर पा रही हूँ। तो मैं जब वो बात करती है वीडियो में, मैंने देखा कि वो बहुत चेहरे से उदास और आंखों से उनकी उदासी छलक रही है, वो चाहे जाहिर करे या ना करे, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि वो कितनी दुखी है अंदर से। तो गाइस, मैं ये सब कुछ इसलिए कहना चाह रही हूँ कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि मेरे मम्मी पापा, जब मैं 8 साल की थी और अलग हो गए थे वो लोग, और जब वो अलग हो गए तब आज से कितने साल पहले, पुरानी बात है, 26 साल तो मेरी शादी को ही हो गए। तो उस समय तो ये सब चीज़ें बहुत ही बुरी होती थी, और आस पड़ोसियों ने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया था, और मेरी मम्मी ने कुछ समय बाद ही सेकंड मैरिज कर ली थी। वो हिंदू थे, सरदार थे वो, और फिर 8 साल तक मेरी मम्मी उनके साथ रही, और वो 8 साल का जो मेरा लाइफ पीरियड था वो बहुत ही मुश्किलों से गुजरा, क्योंकि मेरे पापा चले गए और वो दूसरे पापा बन के आए। तो मैं उस समय 8-9 साल की थी, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मैं उनको अपने मतलब अपनाती और पापा के रूप में, लेकिन मैं अंदर से तो नहीं अपना पाती थी क्योंकि वो मेरे रियल पापा नहीं थे। तो गाइस, बहुत मुश्किल से मैंने वो ज़िंदगी निकाली है। तो मैं वो तो बहुत बड़ी यूट्यूबर है, शायद मेरा वीडियो नहीं देखेंगी, लेकिन फिर भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप खुश होंगी, लेकिन आपके बच्चे, आपके 3 बच्चे हैं, अब वो उनकी उनकी क्या कंडीशन होगी? वो अभी छोटे हैं, वो समझते नहीं हैं, लेकिन जब वो बड़े होंगे तो कैसे वो मतलब अपने आप को हैंडल करेंगे ये सब चीज़ों से, कैसे वो अपनी लाइफ को गुजारेंगे। मैं तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ क्योंकि मेरे ऊपर ये गुजरी है, और जिन लोगों पे ये गुजरी है ना, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं उनको एक यही मैसेज देना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि पता नहीं वो मेरा वीडियो देखें, क्योंकि वो शायद ही देखेंगी। तो फिर भी जो भी इस चीज़ से गुज़र रहे हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए, ऊपर वाले ने जब हमें जोड़ा है तो बाइबल में भी लिखा है कि जब ऊपर वाला हमें जोड़ता है तो हमें कोई अलग ना करे। तो अगर कोई अलग करता है तो ये बहुत बड़ा पाप है। तो गाइस, आप लोग भी मतलब अगर कोई ऐसा वीडियो बनाते हैं उनके लिए तो बनाइए, और उनको मैं ये उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि ऊपर वाला उनको समझ और बुद्धि दे कि वो ऐसा स्टेप ना उठाएं, इसके लिए वो कुछ एक्शन लें, क्योंकि अब उनकी लाइफ तो आधी से ज़्यादा गुजर चुकी है, अब उनके बच्चों की लाइफ है। तो वो देखें अपने बच्चों को ना। तो देखिए गाइस, ये मैं कार में बैठ रही हूँ चर्च जाने के लिए, और 26 ईयर्स हो गए हमारी शादी को, और ये भी एक पिक है, और
ये भी एक पिक है। वैसे शादी का एल्बम है मेरा, वो कहीं बॉक्स वॉक्स में रखा हुआ है। मैं कभी आपके साथ फिर से शेयर करूँगी अपनी पिक्स। तो आज की शाम यही कहना चाहती हूँ उनको कि आप थोड़ा सा समझ रखिए और अपनी लाइफ के बारे में ना सोच के अपने बच्चों की लाइफ के बारे में सोचिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए ये सब हैंडल करना और अपनी लाइफ को आगे गुजारना। तो प्लीज़ सिस्टर, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगी या जो भी देख रहे हैं और इस स्थिति से गुज़र रहे हैं, तो उस पे अमल कीजिए और ध्यान रखिए अपना। और क्या बोलूँ मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि ऊपर वाला उनको सद्बुद्धि दे। और आपको थैंक यू बोलती हूँ सभी को कि आप मेरा वीडियो वॉच करते हैं, थैंक यू सो मच। कल तो मैं अपना वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि कल रीट के एग्ज़ाम थे, तो मॉर्निंग 9 बजे से लेके 6 बजे तक नेट बंद था, तो फिर मैंने उसके बाद बनाया भी नहीं। तो यही था गाइस, और सब आप सबको ब्लेसिंग्स मिले ऊपर वाले की तरफ से, आप सबकी मनोकामना पूरी हो, यही मेरी दुआ है। ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।